रिसेंटली कई सारी मूवीज की अनाउंसमेंट हुई है जिसमें कुछ मूवीज की ट्रेलर को ही रिलीज कर दिया गया है। इसमें कई सारी बड़ी मूवीज भी शामिल है जो साल 2024 से 25 तक में रिलीज होगी। आज की इस वीडियो में मैंने सबसे बड़ी बजट की मूवीज को इस लिस्ट में ऐड किए हैं जो तकरीबन 200 से 400 करोड़ के बीच में बनाई गई है। बिना टाइम गवाए चलिए जानते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। वरुण धवन की आगामी फिल्म बेबी जॉन हाल ही में इनकी अनाउंसमेंट जियो स्टूडियोज चैनल पर की गई है जिसमें वरुण धवन खोखर एक्टिंग करते हुए नजर आ रही है। साथ में इस अनाउंसमेंट टीजर को फैंस द्वारा काफी पसंद की गई है। आपको बता दें इसकी स्टार कास्ट में वरुण धवन के अलावा कीर्ति सुरेश, जैकी श्रॉफ, राजपाल यादव, इनके अलावा और भी कई बेहतरीन कलाकार दिखाई देंगे। काली सर के डायरेक्शन में बनाई गई इस फिल्म को 25 दिसंबर 2024 को ही रिलीज किया जाएगा। सभी लुटेरे जो हमारे ऊपर है उनको लूटने के लिए भगवान किसी न किसी को भेजेगा। देखो साउथ की सुपरस्टार पवन कल्याण अभिनेता से अभिनेता बन चुका है जहां लोकसभा चुनाव साल 2024 उनकी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है। वहीं चुनावी दंगल के बीच उनकी नई फिल्म की अनाउंसमेंट हुई हरिहर वीरा मल्लू पार्ट 1 में बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल राजा के किरदार निभाते हुए नजर आए। वहीं पवन कल्याण भी भरपूर एक्शन करते हुए नजर आए। पूरे 200 करोड़ के बजट में बनाई गई इस फिल्म साल 2025 में रिलीज किया जाएगा। हालांकि इसकी रिलीज डेट को टीजर पर मेंशन नहीं किया है। ट्रिपल आर की एक्टर रामचरण की आगामी फिल्म गेम चेंजर है। इसमें कियारा आडवाणी और रामचरण एक साथ नजर आए। रामचरण के गेम चेंजर में अभी तक कोई भी टीजर जारी नहीं की गई लेकिन हाँ अभी तक इसके दो गाने आ चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है यह फिल्म पॉलिटिकल ड्रामा पर आधारित होगी। शंकर की डायरेक्शन पर बनाई गई इस फिल्म को 450 करोड़ के बजट में बनाई गई है और इस फिल्म को 20 दिसंबर 2024 को ही रिलीज किया जाए। चीन के लिए जाती है। बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस काजोल की आगामी फिल्म महारागिनी क्वींस ऑफ क्वींस की टीजर रिलीज कर दी गई है। उनकी टीजर में काजोल एक्शन करते हुए नजर आए जिसे देख काजोल के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस मूवी में प्रभु देवा और काजोल पूरे 27 साल बाद एक साथ नजर आने वाली है। इनकी ऑफिशियल रिलीज डेट की अनाउंसमेंट नहीं हुई पर उम्मीद है इस साल रिलीज किया जा सकता है। मतलब जो ऑफिसर खतरे में है वो खुद ही एक खतरा है। आप समझ नहीं रहे हो सरकार। हाँ वही उसका नाम है। साउथ के नेचुरल स्टार नानी के बात करें तो सरीपोत सनीवारम ने सिनेमा घरों पर धूम मचाई। उसके बाद एक्टर्स ने फैंस को एक और सरप्राइज दिया। हाँ दोस्तों हिट थर्ड केस की टीजर जारी कर दिया है। सामने आई इस टीजर में एक्टर नानी के लुक काफी शानदार दिखे साथ साथ पुलिस ऑफिसर के किरदार में भी एक्टर नानी काफी खतरनाक दिखे। वहीं अगर इसकी रिलीज डेट की बात करें तो फिल्म को साल 2025 में रिलीज किया जाएगा। कल की 2898 AD के बाद प्रभास की नई फिल्म द राजा साहब का एक लुक नजर आई जिसमें सुपरस्टार का शानदार अंदाज देखने को मिला। द राजा साहब एक हॉरर कॉमेडी रोमांटिक फिल्म है जिसे तकरीबन 200 करोड़ के बजट में बनाई जा रही है। फिल्म में प्रभास के अलावा बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त, रिद्धि कुमार, मालवीय, निधि अग्रवाल के साथ कई बेहतरीन कलाकार देखने को मिले। राजा साहब को 10 अप्रैल 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। देखो वार मूवी की शानदार सफलता के बाद वॉर 2 का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। वॉर में एक्टर टाइगर श्रॉफ नजर आए थे लेकिन वॉर 2 में कुछ नए चेहरे नजर आएंगे जैसे कियारा आडवाणी, एंटी रामा राव, जॉन अब्राहम जैसे कलाकार नजर आएंगे। वहीं इस बार इस फिल्म को आयन मुखर्जी द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है जिसने ब्रह्मास्त्र, ए जवानी है दीवानी जैसे हिट्स मूवीज पर काम किए हैं। वहीं इस फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो साल 2025 के अगस्त महीने तक में रिलीज किया जा सकता है। अभी तक इसकी रिलीज डेट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई। दिवाली के खास मौके पर साउथ की एक और बड़ी मूवी रिलीज होगी। हाँ दोस्तों बगीरा की टीजर जारी कर दिया गया। देखो मैं बगीरा की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म को जो बना रहे हैं ना KGF, सलार और कांतरा की मेकर्स हैं और इस मूवी की अनाउंसमेंट उनकी मेकर्स ने ही किया है। हाल ही में इनके मेकर्स ने फिल्म के नए पोस्टर शेयर किया है जिसमें दमदार एक्शन के साथ सीक्वेंस देखने को मिला था। फिल्म की रिलीज डेट की अगर बात करें फिल्म को 31 अक्टूबर 2024 को ही रिलीज किया जाएगा। दोस्तों हम्बल फिल्म के एक्टर्स ने इस फिल्म को बनाया है। उम्मीद है दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छे नाम बनाए। कसम से बस साल में एक दो बार टेस्ट याद रखने के लिए पी लेता हूं। तुम्हें मिस करता हूं, अफसोस करता हूं, बहुत मिस करता हूं।
दोस्तों फाइनली सनम तेरी कसम 2 की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसकी मेकर्स ने हाल ही में इसके दूसरे पार्ट को बनाने के लिए पेपर्स पर साइन कर चुका है। सनम तेरी कसम एक ऐसी मूवी थी जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन यह फिल्म सिनेमा घर से हटने के बाद लोगों द्वारा इस फिल्म को इतना पसंद किया गया आप सोच भी नहीं सकते। लव रोमांस की लिस्ट पर यह फिल्म पहली नंबर पर आती। इसके पहले पार्ट पर मौरा हुकेन थे जो एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, लेकिन वो एक्ट्रेस अब इंडिया में मूवी नहीं बना सकते हैं। इसकी कहानी पहले पार्ट पे ही खत्म हो चुकी थी। अब देखते हैं इस फिल्म के मेकर्स कहानी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं रिलीज डेट की बात करें तो अभी तक ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई। सूर्य सर की आगामी फिल्म के अनाउंसमेंट की टीजर सूर्या 44 के नाम से YouTube पर अपलोड की गई। इस अनाउंसमेंट टीजर को सूर्य सर के बर्थडे पर रिलीज किया गया। टीजर में सूर्य सर गैंगस्टर के रूप में नजर आ रहे हैं, जिसे देख उनकी पुरानी मूवी की याद दिलाएगी। इस फिल्म की अनाउंसमेंट सूर्य सर की आगामी फिल्म की ट्रेलर रिलीज होने की कुछ दिन बाद रिलीज किया गया। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो फिल्म को साल 2025 में रिलीज किया। पब्लिक को मालूम है कौन कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? सिंघम सीरीज की सारी मूवीज की शानदार सफलता के बाद मेकर सिंघम अगेन को रिलीज करने जा रहा है। हाल ही में 4 मिनट 58 सेकंड की एक ट्रेलर आई, जो भाई साहब हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे लंबे ट्रेलर है। इस एक्शन दर ट्रेलर में अजय देवगन, अक्षय कुमार, आयर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, करीना कपूर को देखने को मिले हैं। रोहित शेट्टी की डायरेक्शन पे बनी इस फिल्म को 1 नवम्बर 2024 को रिलीज किया जाएगा। मैं सिंघम नहीं, मैं लेडी सिंघम है रे। तो दोस्तों ये थी हमारी लिस्ट की अपकमिंग मूवी जो इस साल से लेकर अगले साल तक में रिलीज होगी। इनमें से आप कौन सी मूवी देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कमेंट सेक्शन पर बताइए। मूवीज देखने वाले दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मूवी से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो पर, तब तक के लिए।